परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा शिव कुमार निवासु रन जो जन सुर किन्नर मुनि बिन्द बसहि तहां सुख सी सकल देवहि शिव सुख कंद हरि हर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपन्यो नहीं जानी ते गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया एक बार तेहि सर प्रभु गयउ तरु बिलोकि उर अति सुख भयउ निज कर दासि नागरि पुछाला बैठे सहजहि सम्मुख पाला कुन्द इन्दु दर गौर शरीरा भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा करुण अरुण अम्बुज सम चरणा नख दुति भगत हृदय तम हरणा भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद्र छविहारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन ललिन विशाल नील कंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुवाल बैठे सोह खाम कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती भल अवसर जानी नहीं शंभु मातु भवानी जानी प्रिया अति आदर कीना माम भाव आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई पति हेतु अधिक हनुमानी बिरसी उमा बोली प्रिय वाणी कथा जो सकल लोक हितकारी सुई पूछन चर शैल कुमारी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरुण चर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण दान योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम भगवान भक्त वत्सल के पवित्र प्रांगण में इस जनकपुरी में स्थित आप सब लोग जो कथा श्रवण के लिए आए हुए हैं मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मध्यवती देवियों को भी मैं अपना प्रणत निवेदन करता और आइए जो प्रसंग दो दिन पहले प्रारंभ किया गया था उस पर आगे कुछ और विचार करें। भगवान की कथा की महिमा और उसका प्रतिपादन आप मानस की पंक्तियों में विस्तार से सुनते हैं पढ़ते हैं। हमारे गुरु श्री ब्रह्मचारी जी ने भी पहले दिन कथा की महिमा सुनाई थी किंतु कभी कभी यह लगने लगता है कि यह कथा की महिमा कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, कहीं यह बात बढ़ा कर करके कहने की चेष्टा तो नहीं की गई है। और यदि ऐसा नहीं है, बताई हुई महिमा सही है, तो हमारे जीवन में वह सही अर्थों में उस महिमा का अनुभव क्यों नहीं होता जिसे
करते हैं और सुनते हैं, पर इतना होते हुए भी जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम उन विचारों को क्रियान्वित नहीं कर पाते। क्या है इसका कारण? मानस में मानव राम कथा से पहले इसीलिए भगवान शिव के चरित्र का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। और भरद्वाज जी ने यज्ञवल्क से ये कहा कि तुमने ऐसे फिर राम कथा के विषय में मुझसे प्रश्न किया, पर यदि मैं तुम्हें इतने विस्तार से शिव की कथा सुना रहा हूं तो वस्तुतः मैं देखना चाहता था कि तुम कथा श्रवण के अधिकारी हो कि नहीं। और इस समय भगवान शिव की कथा सुन करके तुम्हारी जिस भाव दशा को मैं देख रहा हूं, मुझे स्पष्ट लगता है कि तुम सही अर्थों में राम कथा श्रवण कर सकते हो, करने के अधिकारी। तो इसका तात्पर्य यह है कि वैसे तो श्रोताओं की संख्या आयोजनों में बहुत बड़ी हो सकती है, होती है, किंतु सही अर्थों में जिसे श्रोता कहते हैं, श्रोता का जो लक्षण है वो बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है। और इसलिए जो जो हमारे अंतःकरण में सुनने के लिए, श्रोता बनने के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता है और श्रोता के समक्ष जो समस्याएं आती हैं, अगर प्रारंभ में हम उस पर दृष्टि डालें और उस रूप में हम श्रोता बनने की चेष्टा करें जिस रूप में हम पार्वती जी के चरित्र में पाते हैं, श्री गरुड़ जी के चरित्र में पाते हैं, अथवा महर्षि भरद्वाज के चरित्र में पाते हैं, तो निश्चित रूप से कथा हमारे लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। यूं तो श्रवण से लाभ तो होता ही है, पर प्रश्न इतना ही है कि कितना लाभ होता है, कितने समय में लाभ होता है। तो इस संदर्भ में भगवान शंकर और पार्वती के चरित्र में यह संकेत किया गया कि यह जो भगवती पार्वती हैं, जिन्हें भगवान शंकर ने कथा सुनाई, वे पूर्व जन्म में सती थी। सती पतिव्रता को कहते हैं, मानो वो इतनी बड़ी पतिव्रता के रूप में वंदनीय थी कि अन्य किसी पतिव्रता की भी प्रशंसा करें तो उसको सती कर करके पुकारते हैं, ये तो बड़ी सती। तो परम सती इसका अभिप्राय की पार्थिव्रत धर्म में स्थित है और बड़े ही महान पिता की पुत्री। दक्ष कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, दक्ष तो ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक, और ब्रह्मा ने एक विशेष कार्य दक्ष को सौंपा। ब्रह्मा को आदेश मिला सृष्टि के निर्माण का, सृष्टि के विस्तार का, सृष्टि के बनाने का। और तब प्रारंभ में ब्रह्मा ने यह सोचा कि अगर संसार का विस्तार करना है तो पहले पुत्र पुत्रों का जन्म होगा तो वही सृष्टि का आगे चल करके विस्तार करेंगे। पर प्रारंभ में उन्होंने उनके द्वारा जिन पुत्रों का जन्म हुआ वह शरीर से नहीं, उनके मन से था। तो मन के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हो, जब ब्रह्मा ने उनको आदेश दिया कि आप लोग संसार का निर्माण करें, विस्तार करें, तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही बड़े महत्व का सूत्र है। तो शारीरिक भावना से मुक्त थे, शरीर से उनका जन्म नहीं हुआ था, शरीर के प्रति उनके मन के जीवन में महत्व बुद्धि नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सृष्टि तो उसका निर्माण तो नहीं जाने कितनी समस्याएं दुख की सृष्टि करने वाली वस्तु है, तो हमें
हमारे अंतःकरण में इसकी कोई रुचि नहीं है। और तब यह कार्य जो ब्रह्मा ने सौंपा वो दक्ष को सौंपा। तो ये दो मार्ग जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो कुछ लोगों की मान्यता यह है कि जीवन में त्याग के द्वारा ही व्यक्ति को शांति मिल सकती है, त्याग के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तरंच मात्र भी अगर कहीं जीवन में कोई संग्रह होगा, परिग्रह होगा, कोई इस प्रकार की बात होगी, तो कभी भी मनुष्य जो है वो समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। ये संभव नहीं कि उसके मन में अशांति न हो, उसके मन में चिंता न हो, उसके मन में राग द्वेष न हो। और इसलिए उन्होंने माना त्यागा शांति निरंतरम। जब व्यक्ति इन वस्तुओं का त्याग कर देता है तो स्वाभाविक रूप से उसे शांति प्राप्त होती। तो उस पथ के अनुगमन करने वाले महापुरुष का हुए और उनके दिव्य चरित्र का वर्णन पुराणों में किया गया है। किंतु यह जो प्रवृत्ति का मार्ग है और उस पर सही अर्थों में चलने वाले तो थोड़े ही व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए निवृत्ति मार्ग में स्थित मरने वाले महात्माओं से भिन्न यह जो प्रवृत्ति है इसके विस्तार की समस्या है। और दक्ष प्रजापति जो है उनकी प्रकृति जो है वो स्वभावतः उसमें सतोगुण भी है पर रजोगुण की भावना बड़ी थी, तमोगुण का अंश भी उनके अंतःकरण में विद्यमान है। और प्रवृत्ति में तो इन तीनों की ही अपेक्षा होती है। तो दक्ष प्रजापति की योग्यता का जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है तो वो तो बड़ा अद्भुत है। महानतम पंडित, शास्त्रज्ञ, बलवान और समस्त सद्गुणों से वो संपन्न है। तो ऐसे पिता की वे पुत्री और फिर उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ। तो इतना बड़ा सौभाग्य कि जिसके पिता दक्ष प्रजापति हो और जिसके पति स्वयं भगवान शंकर हो, का उससे बढ़कर के तथा श्रवण का अधिकारी किसे होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। और नहीं हुआ का वो अभिप्राय यह है कि पिता में जो श्रेष्ठ गुण है दक्ष में, और वो एक बहुत गंभीर संकेत है, बहुत उसे विस्तार से लेने पर थोड़ा पूरा आनंद नहीं ले सकते हैं सभी लोग। उसका अभिप्राय यह है कि आपका हम सबका जो शरीर है वो शरीर तो बना हुआ है माता पिता के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से वह बालक जो होगा उस माता पिता के संस्कार से पूरी तरह से मुक्त हो, ये कैसे संभव। अगर कोई बर्तन बनाया जाएगा तो जो बर्तन जिस धातु से बना हुआ होगा उस धातु में जो गुण होगा वो भी उसके हो सकता है, और उस धातु में जो दोष है वो भी दोष उसके होगा। पर ये जो दक्ष प्रजापति है जो कल चलते चल रही थी, दक्ष कहते हैं चतुर जो कुशल है, जो योग्य है, तो यह दक्षता गुण है कि अवगुण है? और इसका उत्तर यह है कि कई लोग यह कह बैठते हैं या मान बैठते हैं कि बुद्धि बड़ी बाधक वस्तु है, बुद्धि तो निरर्थक है। कभी कभी तो हमारे बड़े प्रसिद्ध भक्त थे कल्याण के प्रधान संपादक भाई जी हनुमान शांति पोद्दार, उन्होंने एक बार कविता लिख दी और उस कविता में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि बना दो बुद्धिहीन भगवान, हरो सभ्यता संस्कृति सारी नव्य जगत की स्थान। तो स्वाभाविक रूप से बहुत से विरोध में पत्र आए और विरोध में पत्र आना भी स्वाभाविक था। और फिर उन्होंने फिर उसको बदल के दूसरे रूप में भी ये कहा। तो वस्तुतः बुद्धि क्या सचमुच व्यर्थ की वस्तु है क्या? ये जो बुद्धि की निंदा करते हैं वो भी तो बुद्धि के द्वारा ही करते हैं, वो भी तो बुद्धि की सतर्क करेंगे और तंग करके बुद्धि की निंदा करेंगे, तो वो तो एक प्रकार की एक अतिरेक भरी धारणा है।
बुद्धि से बढ़कर के तो कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब यही कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, जब मैं किसी पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ तो उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो बुद्धि से बढ़कर के तो और कुछ मनुष्य के पास है ही नहीं, और अन्य समस्त प्राणियों में उसकी विशेषता भी यही है कि वो बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धि त्याज्य नहीं है, बुद्धि निंदनीय नहीं है। जब उसकी निंदा की जाती है तो उस निंदा के वाक्य को ही नहीं पढ़ लेना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि में यदि अनेक विशेषताएं हैं तो उसके साथ साथ बुद्धि में कुछ समस्याएं भी हैं, और तब व्यक्ति बुद्धि को आप देखेंगे। हमारे यहाँ की यह परंपरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य संध्या करनी चाहिए, और संध्या में आप किसी भी देवता के उपासक क्यों न हो, चाहे भगवान राम क्यों हो, भगवान कृष्ण क्यों हो, भगवान शिव क्यों हो, किसी क्यों हो, पर यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री का जप जो है वो अनिवार्य है। गायत्री का जप करना ही चाहिए, और आप उसके बाद अपने इष्ट मंत्र का जप कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र को जो इतना महत्व दिया गया उसके मूल में तात्पर्य यह है कि गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है, उसमें देवी गायत्री से चाहे भगवान कहिए, वो तो आपके मन की भावना है कि उन्हें आपके रूप में देखें। उसका अभिप्राय है कि आप कृपा करके मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, सही दिशा में ले जाएं। तो इसलिए जो बुद्धि है, और आप देखेंगे पढ़िए तो गोस्वामी जी जब जगज्जननी सीता जी से प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? ये तो नहीं कहते कि मुझे मूर्ख बना दीजिए। ये मूर्खता कोई विशेष बात है क्या? तो मूर्खता कोई गुण नहीं है। वो कभी किसी मूर्ख को सफलता मिल गई तो अपवाद है, नियम नहीं। और मूर्खता में भी कुछ गुण हो सकता है, कोई वस्तु कोई सर्वथा दोषयुक्त गुणयुक्त नहीं होती। जिसने गोस्वामी जी जब सीता जी से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? और वो उन्होंने विनय पत्रिका में भी इसकी ओर संकेत किया कि जिस समय वो प्रार्थना करते हैं तो ये दो पंक्ति आप पढ़ते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताकि युगपद कमल मनाओ। और आप उनसे क्या चाहते हैं? बुद्धि चाहते हैं, पर उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ। वस्त्र आपका है कितना उपयोगी है, पर गंदा हो जाए तो देखने में भी गंदा है, और उसके द्वारा शरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से बुद्धि अगर मलयुक्त हो जाए तो मनुष्य के लिए नहीं कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसलिए गोस्वामी जी यही तो माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ प्रसन्न होकर के जास कृपा निर्मल मति पाऊं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है। और जब गोस्वामी जी ने इतने बड़े ग्रंथ की रचना किया तो रचना के लिए क्या बुद्धि की अपेक्षा नहीं है क्या? क्या बुद्धि के लिए कोई व्यक्ति रचना कर सकता है क्या? इसलिए गोस्वामी जी ने स्वीकार किया। फिर उसे पूछा गया कि आपने ये कहा कि मैं तो कभी भी नहीं हूं, कवि न हो नहीं चतुर कहा हूं, आप कवि नहीं है चतुर नहीं है और इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण भी कर डाला आपने। तो उन्होंने कहा मैं स्वयं भले ही चतुर नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि शंभु प्रसाद सुमति ही अभुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी, मुझ में सामर्थ्य नहीं थी पर भगवान शंकर की कृपा से मुझ में सुमति आई और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कवि तुलसीदास हूँ। तो इसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी से भी मत की याचना, श्री किशोरी जी से भी याचना, एक से सुमत की याचना, एक से निर्मल मत की याचना। इसका अर्थ यह है कि ये व्यर्थ के पदों को सुन करके आप बुद्धिहीनता की ओर महत्व मत बना लीजिए, बुद्धिहीन बनने की चेष्टा मत कीजिए, वो बन भी नहीं सकते आप। उसका अर्थ है कि बुद्धि हो पर बुद्धि को हम कैसे सुमति बनावे और बुद्धि को कैसे निर्बल बनावे, वो दोनों ही वस्तुओं का महत्व है।
और इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने सर्वत्र ये कहा। मेरे पत्रकार ने उनसे पूछा गया कि वस्तुतः जब हम कुछ समझना चाहते हैं तो समझने के लिए आप जब दर्पण है तो दर्पण अनुपयोगी थोड़ी है, पर दर्पण अगर गंदा है या आंखें दिखनी है तो दर्पण का उपयोग सही नहीं होगा। तो आपको चेष्टा करना पड़ता है कि दर्पण भी स्वच्छ करें, और दर्पण स्वच्छ हो लेकिन आपके नेत्र में देखने की शक्ति ही नहीं है, नेत्र में कोई रोग हो तो भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए का वस्तुतः गोस्वामी जी का वह द्वार पढ़ते हैं, जब वो गुरुदेव की वंदना करते हैं तो गुरुदेव से क्या याचना करते हैं, गुरु प्रसन्न होता है तो गुरु क्या दे देता है। और उसका अभिप्राय यह है कि वो बड़ा प्रसिद्ध पद है चरणदास जी महाराज का, उनसे पूछा गया कि आपने तो बड़ी सेवा की अपने गुरुदेव की, आपको कौन सी सिद्धि मिली। तो उन्होंने यही कहा कि चरणदास गुरु कृपा की ही उलट गई मोरी नयन पुतरिया, मेरी आंखों की पुतली उलट गई। उसका अर्थ है कि दृष्टि बदल गई, दृष्टि वाली बुद्धि है। जब आप पढ़ते हैं ज्ञान नयन खत मन माना तो मानो या ज्ञान विराग नयन गुरुगारी, तो इसका अभिप्राय है कि सही अर्थों में का मनुष्य के जीवन में जो अपेक्षा है गुरुदेव से वही तो मांगा जाएगा। जब गोस्वामी जी वंदना करते हैं तो ये तो कहते हैं का उनकी प्रार्थना तो यही है कि उभरण विमल विलोचन के मिटन दोष दुख भाव रजनी के, मानो विवेक बुद्धि या विवेक दृष्टि है और फिर मन दर्पण। इसलिए कांड के प्रारंभ में वे कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधार, मन का दर्पण भी गुरु के चरणों के आश्रय से शुद्ध हो जाना चाहिए और उनके द्वारा हमें विवेक की दृष्टि भी पानी चाहिए। इसलिए बार बार का बुद्धि योग विवेक यह तो एक सर्वोत्तम वस्तु है और यह सर्वत्र आपको यही दिखाई देगा कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उस प्रसन्नता में उस व्यक्ति को सुमति दे देते हैं या निर्मल मत देते दे रहे हैं। और यहां तक भी कहा गया कि ये भक्ति क्या है, तो गोस्वामी जी ने सृष्टि के विलास का वर्ण, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो भौतिकवादी मानते हैं कि ये जड़ से विकास सृष्टि है, और आध्यात्मिक धारणा है कि यह जो सृष्टि है वो चैतन्य का विलास। तो इसलिए तो मूल में ही भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है, दोनों को मिलाने की व्रत की जो चेष्टा है वो कभी नहीं करना चाहिए। अभी गणेश जी के दुग्ध पान की बात आई तो बड़ी चर्चा रही, और जब मैं पढ़ता था कि वो वैज्ञानिकों ने कहा तो मुझे आश्चर्य होता था, वो वैज्ञानिक जो कहते थे उनकी बुद्धि पर और उसको पढ़ करके जो लोग उसको मानते थे उनकी बुद्धि पर और भी तरस आता था। उसका अभिप्राय है कि वो किस विज्ञान के पंडित थे जो उन्होंने लिख मारा, वो तो उनका विज्ञान जिस विषय का विज्ञान की तो अनेक शाखाएं हैं, तो अनेक शाखाओं में से एक व्यक्ति विज्ञान की एक दिशा में कार्य करता है, शोध करता है, और जब वो करता है तो उस विषय में उसको कहने का कुछ अधिकार है। अब वो जिस विषय में अगर आप ये समझते हैं कि जो वनस्पति विद्या विज्ञान का जानने वाला है क्या उसके लिए आवश्यक है कि वो तारा नक्षत्रों के विषय में भी जाने, वो तो वैज्ञानिक नाम से जो छद्म नामधारी है और जो जिनकी अनधिकार चेष्टा अनधिकार माने जिस विषय में उनका ज्ञान ही नहीं है वो ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास जो वैज्ञानिक मान्यता है उससे मैं नहीं खाता। और उसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः वो दोनों एक हो ही नहीं सकते। अगर आप वैज्ञानिकों का प्रमाण पत्र लेने की चेष्टा करेंगे तो ये आपको वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा, गणेश जी पीते हैं कि नहीं पहले तो यही प्रश्न होगा कि ईश्वर है भी कि नहीं, विज्ञान ने तो आज तक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, कोई से प्रमाण नहीं मिला। तो अगर आप बहुत बड़े विज्ञान के प्रेमी हो तो पहले रास्ते बन जाएंगे कि नहीं ईश्वर है, क्योंकि तो समाचार पत्र में फलाने वैज्ञानिक ने लिखा है कि वो ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो दोनों की धारणा ही अलग है।
मूल से भिन्न है। जब कोई व्यक्ति सृष्टि को जड़ का विकास मानता है, चाहे वो डार्विन हो या उस प्रकार का, तो वो अपनी पद्धति से वो बात कहता है। पर आध्यात्मिक धारणा तो बिना मूल में ईश्वर को मानने चली नहीं सकती। तो इसलिए दोनों को देखने की अपनी सीमाएं। अगर कोई भौतिक पदार्थ है तो उस संदर्भ में उस वैज्ञानिक का महत्व है जिसने उस विषय में खोज किया। पर अगर जब मूर्ति विज्ञान की बात आएगी, ईश्वर की बात आएगी, तो मूलतः तो फिर यही प्रश्न है कि ईश्वर है कि नहीं। और ईश्वर नहीं है तो ठीक है, आप बहुत विज्ञान की दृष्टि से बुद्धिमान सिद्ध हो गए। इसका अर्थ है विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, और वो अपनी सीमा में जो बात कहते हैं वो ठीक है उस सीमा में, लेकिन उससे भिन्न जो सत्य है। भाई मूर्ति विज्ञान के आचार्य तो प्रहलाद जी थे, उस समाचार पत्र में छपने वाले वैज्ञानिक थोड़ी माने जिन्होंने पहली बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया कि भगवान तो सर्वत्र है पर विशेष रूप से पत्थर की मूर्ति की पूजा कब से प्रारंभ हुई। तो गोस्वामी जी ने प्रहलाद का ही दृष्टांत देते हुए कहा ईश्वर सर्वव्यापी है, यह तो एक आध्यात्मिक चिंतन है, और उस आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर ही सारा धर्म या ज्ञान या मन भक्ति टिकी हुई है। तो फिर ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने वो जो चित्र प्रस्तुत किया कि एक ओर नास्तिक है नकश्यपु और दूसरी ओर आस्तिक प्रहलाद, संसार में प्रहलाद से बढ़कर के कोई आस्तिक नहीं हुआ और नकश्यपु से बढ़ के नास्तिक नहीं हुआ। ये सब तो नकली नास्तिक है, इनकी नास्तिकता तो बहुत ही वो बिल्कुल कुछ है नास्तिक भी नहीं है। वो तो नास्तिक जो कहते हैं वो शायद एक किसी मिथ्या भ्रांति बस कहते हैं। वो ही एक श्रोता है, उनके सुपुत्र मुझसे मिले, वो नहीं रखे थोड़ा, तो ईश्वर के विषय में कहा ईश्वर की सत्ता का तो कोई प्रमाण नहीं है और कुछ नहीं है। तो मैंने देख लिया, तो धीरे धीरे अभी तुम जिस विषय में अध्ययन कर रहे हो उस विषय में चलो, आगे ईश्वर की जब जिज्ञासा उत्पन्न हो तो ईश्वर के बारे में चर्चा होगी। मैं गया एक वर्ष बाद वाराणसी संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करने, तो देखा वही दैवत हाथ जोड़े खड़े। मेरे तो परिचित ही निकल करके आए, तो मैंने कहा भाई लगता है हनुमान जी पर तुम्हारी श्रद्धा हो चुकी हो गई है। उनका भी देखिए हुई तो नहीं है, कहले परीक्षा होने वाली है और सायंकाल के समय छात्रावास के सारे विद्यार्थी दर्शन करने आते हैं, तो मुझे इतना डर लगता है कि सचमुच नहीं हुए और फेल कर दिया तो अच्छा है, चलो दर्शन भी हो जाएगा घूम भी आ गई। तो वो तो नास्तिक क्या हुआ, वो तो एक अस्तर जितना नहीं पढ़ लिया नास्तिक, तो नास्तिक तो कैसे उठा जिसने कहा ईश्वर कहीं नहीं। और कहने के पहले उसने प्रकृति के प्रत्येक वर्ग में प्रवेश किया, इतनी बड़ी साधना थी उसकी, इतनी बड़ी क्षमता थी उसमें कि उसने सर्वत्र खोजा कि जिस विष्णु ने मेरे बड़े भाई का वध कर दिया वह कहां। तो जो सब जगह खोद के कहे कि ईश्वर कहीं नहीं है वह असली नास्तिक, और घर में बैठे पुस्तक पढ़ के जो कह दे ईश्वर नहीं है वो तो नकली नास्तिक है। कि जो वस्तु आपने खोज नहीं किया और उस विषय में आप कह रहे हैं, आप कहिए कि कानपुर में वस्तु नहीं है तो पहले कानपुर देख तो लीजिए, कानपुर ना देखा हो कहे कानपुर में ही नहीं है, जो है या नहीं है तो वो बड़ा नास्तिक है। और उसने तो घोषणा कर दिया कि ईश्वर तो है नहीं, लेकिन तुम लोगों का ईश्वर के बिना काम न चले तो मुझे ईश्वर समझ लो, मेरी पूजा करो। वो तो बड़ा कठोर था, पर वो ईश्वर का बड़ा अनोखा कौतुक, उनका छोटा भारत प्रहलाद जो है वो उतना ही बड़ा आस्तिक है। और उनकी आस्तिकता का जो सूत्र था वो आस्तिक केवल वाणी से नहीं थे, वो आस्तिक भी ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी आस्तिकता को सिद्ध करके दिखा दिया। वो पहले वो वैज्ञानिक है मूर्ति विज्ञान के, जिसके लिए वो समझने कहा कि जिस समय प्रहलाद को अग्नि में जलाने की चेष्टा की गई, समुद्र में डुबाने की चेष्टा की गई,
सर्पों से कटवाने की चेष्टा की गई, मृत्यु नहीं हुई। आप सोचिए कितना बड़ा नास्तिक रहा होगा। लोग तो थोड़े से कोई ऐसी घटना हो जाए तो बेचारे नास्तिक से नास्तिक अपने को बन जाते हैं। लेकिन इतने चमत्कार देखने के बाद भी जब लोगों ने कहा कि सोचिए अग्नि में जो नहीं जला, जो समुद्र में नहीं डूबा, जो पत्थर से गिर के नहीं, पहाड़ से गिर के नहीं मरा, वो ईश्वर का चमत्कार नहीं है क्या? तो उसने कहा कि पक्षी अगर आकाश में उड़ता है तो क्या उसका कोई चमत्कार है? उसको प्रकृति में ये शक्ति मिली, विवेक उड़ता है। और एक पक्षी का बेटा भी होगा, बच्चा भी होगा, तो उड़ेगा। तो ये जितने चमत्कार है वो तो मेरे, मैं भी अग्नि में नहीं जलता, मैं भी समुद्र में उतारी प्रकृति में प्रवेश कर लेता, तो ये तो मेरा बेटा होने से इसको उड़ाया, कोई इसे ईश्वर कहां से आ गया? ऐसा वो मानने वाला था, वो तो कोई ईश्वर नहीं, इतना दृढ़ निश्चय। और इन चमत्कारों को देख करके भी उसने कहा कि नहीं, कोई ईश्वर नहीं, क्या मन में क्षमता नहीं? और इसको सत्य लिखा हुआ है कि उसने तो प्रकृति के प्रवेश स्तर में आज का जो वैज्ञानिक है मंदिर चंद्रलोक तक गया, पर वो समस्त प्रकृति के आवरण में प्रवेश पा सकता था, इतनी क्षमता थी। पर फिर वो सामना हुआ, अंत में उसने निर्णय किया कि आज अंतिम निर्णय हो ही जाए, और प्रहलाद को खम्भे से बांध दिया गया। और बांध देने के बाद उसने पूछा, तू जिस ईश्वर की भक्ति करता है वह कहाँ है? हंसने लगा, तो जब मैं तुम्हें खंभे से बांध रहा था तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने तो नहीं आया, तुमको बदले से रोक दिया था। तो प्रहलाद ने हंस करके कहा कि आपको ना रस्सी लग रही है, मुझे तो लगता है कि जैसे पिता बालक को दोनों हाथ से लेकर की गोद में बैठा ले, जब हमारे प्रभु रस्सी में है, पत्थर में है, तो हम तो उनकी गोद में। और तब से काल निर्णय होगा। और तब गौतम जी ने कहा कार्य कृपान, कृपा न कछु, कृपाण शब्द को गोस्वामी जी ने कृपा न, कृपाण तलवार को कहते हैं, कृपा न कछु, लेकिन कृत काल कराल विलोक न भागे, राम कहा सब ठाऊ खम्भ में, इस खम्भे में भी बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। हाँ सुनी, हाँ हाँ, तो सब लोग कहते हैं इस तरह सर्वत्र है, पर हमारे हाँ में वह बल नहीं है कि ईश्वर जग जाए, चैतन्य हो जाए। पर यहाँ क्या हुआ? बोले हाँ सुनी, हाँ की निकेहर जागे, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, ईश्वर जग करके सामने आ गया। और उसके पश्चात वो स्वामी जी ने कहा, जिस समय हाँ सुनी हाँ निकेहर जागे, वो बैरी विदार भय विकराल, जब उन्होंने नरकश्यपु का वध किया तो क्रोध उनका मिट नहीं रहा, घबरा गए लोग, अब तो नरकश्यपु की मृत्यु हो गई, अब महाराज क्यों क्रोध में है, पर कौन जाए बनाने के लिए? लक्ष्मी जी से कहा गया तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जा सकता, मेरे तो पतिदेव ये नहीं है, ये नर आधा सिंह कोई मेरा परिचय से नहीं। भगवान शंकर से कहा तो उन्होंने कहा देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे आराध्य तो मनो बाल रूप से रामो है, पर तुम लोग व्यर्थ तो भटक रहे हो। जिन प्रहलाद की भावना की रक्षा के लिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं, उन प्रहलाद से क्यों नहीं तुम कहते? और जब देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि आप इनका क्रोध किसी तरह शांत कीजिए, तो प्रहलाद को कसकार सिंह को देख करके हमें आपको डर लग सकता है, सिंहनी को देख करके हम आप काप सकते हैं, पर सिंहनी का बच्चा तो उसको देख के नहीं कापेगा, तो तुम उसको रहते हुए गोद में गए। गोस्वामी जी ने कहा बैरी विदार भय विकराल और कहे प्रहलाद ही के पूर्णिमा के, प्रहलाद को गोद में लेते सब कुछ भूल गए, युवा से चाटने लगे। गोस्वामी जी ने तुरंत कहा प्रीति प्रतीति बड़ी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लगा। प्रहलाद जैसे भक्त ने जब एक पत्थर से भगवान को प्रकट करके दिखा दिया तो लोगों को लगा कि भगवान को प्रकट करने के लिए शायद सबसे उपयुक्त स्थान यही। उसका अभिप्राय है कि वह जो प्रकट होता है वह विज्ञान का विषय नहीं है, विज्ञान की जो वस्तुएं प्रकट होती हैं वो प्रकृति के नियम से होती है, और प्रभु प्रकट होते हैं
अब जग मैं सब रहित विरागी प्रेम से प्रभु प्रकटे जीवी आगे। ईश्वर प्रकृति के नियम से तो प्रकट नहीं होता, बिजली प्रकृति के नियम से प्रकट हो सकती है, अज्ञात वस्तुएं प्रकृति के नियम से संचालित है, पर ईश्वर को प्रकट करने के लिए प्रेम की अपेक्षा है। तो ऐसी स्थिति में उसका मूल तत्व यह है कि कई लोग कुछ ऐसे अधकचरे बुद्धि वाले होते हैं कि वो एक अनावश्यक भ्रांति में अपने आप को उलझा लेते हैं। उसका अभिप्राय है कि हमें इस सत्य को अगर हम आस्तिक हैं तो हमें मूलतः इस बात को मानना ही, अगर मानते हैं तो हो सकते हैं आस्तिक। अगर हम ये मानते हैं कि भाई समस्त सृष्टि विलास के मूल में ईश्वर है तो हम आस्तिक है, और अगर हम मानते हैं कि सारी प्रकृति तो केवल जड़ की अपने आप की प्रकृति की रचना है तो फिर तो आस्तिक नहीं है। इसी बात को विनय पत्रिका में जयपुर स्वामी जी ने कहा, तो उन्होंने कहा भक्ति का उद्देश्य क्या। वे कहते हैं कि वही स्वच्छ करने वाली बात, चाहे वो दर्पण हो चाहे नेत्र हो। तो उन्होंने कहा कि जब किसी ने कहा महाराज यह सृष्टि चैतन्य का विलास है ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने कहा इसके लिए उपाय, और उपाय क्या है, बोले रघुपति भगत बाद छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। जब भगवान की भक्ति करते करते हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, तो भक्ति के द्वारा उस शुद्धता के आने के पश्चात वे कहते हैं तुलसीदास यह चित विलास है, ये जड़ का विकास नहीं चैतन्य का विलास है। पर उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा है तो, लेकिन बूझत बूझत बूझे उसके लिए समय लगता है। आप भौतिक विज्ञान में जो लोग खोज करते हैं कितना समय लगाते हैं, और आप इस विषय में ये चाहें कि बस आज वाला जपी और भगवान आकर के सामने पूछे बेटा क्या चाहते हो, और आप उससे वरदान वरदान मांग करके सब कुछ बन जाए, वो तो रघुपति भगत वाद चालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे तुलसीदास यह चित विलास जग पूजत पूजत पूजे। इसलिए यह जो व्यक्ति की बुद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वो ईश्वर की अनुकंपा का परिणाम। किंतु बुद्धि के साथ जो समस्या है वो समस्या भी उतनी ही विकट है, और यही यहाँ पर सामने आता है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि को गोस्वामी जी ने शंकर जी और सीता जी से जोड़ा, उसका अभिप्राय है कि जो आप कहें समझ लें कि एक व्यक्ति के पास वस्तु है, कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैंने ये उत्तराधिकार मैं नहीं पाया, मेरे ये पुरुषार्थ का मैंने उसका मकान निर्माण किया। जब कोई व्यक्ति कहता है तो उसके पीछे उसका गर्व होता है, मेरा पुरुषार्थ मैंने पाया। गोस्वामी जी से एक बार बड़ी मीठी आती है, जिस भरत जी और श्री राम का मिलन हुआ तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आप इस दशा का बड़ा विलक्षण बड़ी स्थिति है, न श्री भरत बोल रहे हैं न श्री राम बोल रहे हैं, दोनों में मिलन हो प्रेम के आंसू दोनों की आंखों में बह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि कह दे कि शरीर में रोमांच हो रहा है, ऐसा भी नहीं दिखाई देता है कि कहीं कोई क्रिया कोई चिन्ह शरीर में दिखाई दे रहा है, बोल रहे नहीं रहे। तो गोस्वामी जी से कहा गया कि आप वर्णन तो कीजिए, तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कहा, जैसे जब कोई नर्तक नाचता है तो नर्तक के नाचने के साथ साथ आप देखते हैं वाद्य और तबला बजता है, और उसकी कला यह नहीं कि वो बस नाच जाए, अगर वो उस तालमेल को मिला करके वाद्य के स्वर से अपने स्वर को तबले के स्वर से अपने ताल को पर को मिला देगा तो कहेंगे बड़ा कलाकार है, और उससे नहीं मिला लेगा उधर बज कुछ रहा है उसका पैर किसी और रूप में थिरक रहा है ध्वनि बोल रही है तो उसका अर्थ नचना नहीं जानता। तो गोस्वामी जी ने कहा कभी बेचारा जो है वो नाचता तो है पर तबला बजे तो, बोले अगर यहाँ आंसू होता है यहाँ कोई चिन्ह होता तो उसी के सहारे हम गिर देते, पर उन्होंने कहा कभी नहीं अर्थ आखर बल साचा, तो अनुहर ताल गति में नट नाचा। लेकिन यहां क्या हुआ, बोले यहां तो स्थिति है कि अब कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही, और स्थिति नहीं दिखाई दे रही है तो आपने कहा
कि उस समय समस्या ये है कि वह आंसू कब आते हैं। जब मन में बहुत आनंद का उद्रेक हो तो आंसू आएगा। वाणी से कोई कब बोलेगा, जब उसको बुद्धि का भान हो कि ये वाक्य हो। आपको ये तो उतना होश होगा कि मैं ये हूं, ये हमारे परिचित है, हमारे संबंधी है, इनसे पूछना चाहिए। वो स्वामी जी ने कहा यहाँ पर कोई चिन्ह इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि परम प्रेम पूरण दो भाई मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न श्री भरत को अपने भरत होने की का भान है, न श्री राम को अपने राम होने का भान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभाव है। तब आपने तुरंत लिख दिया कि अब ऐसी स्थिति में सो मैं कुमति कहूं कही भांति। मैं कुमति कैसे कहूं, किसी को लगा कि आप बदल गए। आपने तो रामायण के प्रारंभ में दावा किया था कि शंभु प्रसाद सुमति ही उलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंकर जी के प्रसाद से मुझ में सुमति आ गई है और मैं रामचरित मानस का कवि तुलसी। अब गुमति कैसे हो गए, तो बहुत बढ़िया उत्तर गोस्वामी ने दिया। आपका आपने किसी से धन लिया हो, पाया हो, किसी बैंक से धन मिला हो और बैंक के ही समाप्त हो जाए। दोनों ने कहा समस्या यह है कि मैं सुमति तो बन गया लेकिन यहाँ स्थिति क्या है। बोले अगम स्नेह भरत रघु भर को जहन जाई मन विधि हरिहर को। शंकर जी की बुद्धि नहीं जाती है, उन्हीं से बुद्धि मैंने लिया था, तो जब उन्होंने नहीं दिया तो मैं कुमति तो था ही, फिर से कुमति हो गया। इसका अर्थ ये है कि बुद्धि को जब हम अपनी विशेषता मानेंगे, अपनी योग्यता का परिणाम मानेंगे, तो अभिमान उत्पन्न होगा। और जब आप ये मानते हैं कि यह बुद्धि भगवान की दी हुई है, यह सरस्वती जी की दी हुई है, यह गणेश जी की दी हुई है, तो इसका परिणाम यह होता है कि यह ध्यान बना रहता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं। और इसका अर्थ है कि बुद्धि के साथ अभिमान ही सबसे बड़ी समस्या है। और व्यक्ति जब देखता है तो बुद्धिमान मैं हूं, ये मेरी विशेषता है, इसको मिटाने के लिए ही तो प्रार्थना की जाती है। कोई अगर प्रार्थना न करे तो क्या वो प्रवचन नहीं कर सकता है, क्या भाषण नहीं दे सकता है, क्या कितना जोरदार भाषण नेता लोग दिया करते हैं, कैसी गर्जना तर्जना, कितना प्रभावशाली, सारे सुन करके तो क्या वो कोई वंदना करते हैं, क्या नहीं बोलते। पर उन्हें संभवता लगेगा कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं क्या अच्छा बोल रहा हूं, वो तो वस्तुतः सरस्वती इसीलिए प्रार्थना करते हैं। बार बार यह संकेत ये है कि बुद्ध के साथ आप मूलतः जुड़ा हुआ अनुभव अपने आप को कीजिए। शंकर जी से जोड़ लीजिए, जन जगत जननी सीता जी से जोड़ लीजिए, सरस्वती या गणेश जी से जोड़ लीजिए। उसका मूल तात्पर्य यह है कि यह हम अनुभव करें कि यह बुद्धि तो इसीलिए बुद्धि के लिए है, कविता के लिए। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या समझते हैं आप कि कवि लोग कविता बनाते हैं, कहेंगे राम कवि है, हमने इतनी कविता बनाई, पर आपकी कोई कविता बहुत अच्छी क्यों हो जाती है, कोई बिल्कुल बुरी क्यों हो जाती है, आपकी कविता किसी की कविता में इतना रस क्यों हो जाता है। इसको गोस्वामी जी ने समझाने की चेष्टा की और समझाने का तात्पर्य यह है कि आप मूलतः अपने आप में यह अनुभव कीजिए। और उसके लिए उन्होंने कविता अपूर्ण युक्ति का प्रयोग किया कि जैसे मोती की माला बनाना हो, तो मोती तो समुद्र से निकलेगा, मान्यता यह है कि समुद्र में सीप, और उस सीप में जब स्वाति नक्षत्र का जल गिर जाता है तो मोती बन जाता है। प्रत्येक सीप में का वो स्वाति नक्षत्र का जल संयोग की बात है। तो उन्होंने कहा कि समुद्र हो, सीप हो, स्वाति नक्षत्र का जल हो, तब कविता के मोती का जन्म हो। क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा हृदय से
समुद्र के समान को विशाल कर रहे हो, और बुद्धि मध्य सीप समान, बुद्धि सीप के समान। तो बुद्धि की निंदा समझ लीजिएगा, इसका अभिप्राय है कि कहीं विशालता की प्रशंसा होती है और कहीं सूक्ष्मता की। समुद्र में विशालता की प्रशंसा और सीप में तो वो जो लघु है का वो बुद्धि का एक स्वरूप। और बहुत सुंदर बात उन्होंने कविता कब बन जाती है, उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि हो, बहुत विशाल हृदय हो, लेकिन स्वाति नक्षत्र का जल अलग नहीं गिरेगा। तो मोती पास और स्वाति नक्षत्र क्या है, बोले हृदय सिंधु मत सीप समाना स्वाति शारदा सहे सुना। सरस्वती जो है वही स्वाति नक्षत्र का जल है। कभी कोई कृपा की बूंद गिर जाती है आपकी कविता बढ़िया बन जाती है, नहीं तो सीप तो गिरो करके माला बनाते ही रहते हैं। सीप के द्वारा आप तो कविता बनाते हैं, और मोती के द्वारा जो बनाते हैं मोती। तो यह अनुभव करना चाहिए कि अगर हमें सामर्थ्य होती तो हमारी हर पंक्ति हमारा हर वाक्य उतना ही प्रभावशाली होता। वो स्वामी जी ने बार बार इस बात पर बल दिया, या क्यों नहीं इस बात को जीवन में अनुभव करते हैं, आपकी कोई इच्छा कोई कामना कोई संकल्प पूरा हो जाता है, आप गर्व करने लगते हैं मैंने ये कार्य कर डाला। पर कहते हैं चाह तो जो जोई जोई लहतो से सोई सोई। अगर ऐसी सामर्थ्य आप में होती तो प्रत्येक वस्तु आप पा लेते, प्रत्येक वस्तु पर आपका अधिकार हो जाता। मानो इस सत्य को समझ लेना ये भी बुद्धि का महानतम फल है। बुद्ध का श्रेष्ठ उपयोग है कि वो अपनी सीमाओं को जाने, अपनी योग्यता के साथ साथ अपनी सीमा को जानना यह अपेक्षित है। और यह इसीलिए वो समझ कर जो बरसई बरबार विचारू हो कवित मुक्ता मन चारू। और फिर उन्होंने कहा उस कविता के मोती का उपयोग आप पर निर्भर है। और उन्होंने कहा कि अब आप का भगवान राम का चरित्र धागा है और कविता के मोती को उसमें पिरो दीजिए और माला बना लीजिए, और वो माला जो है सज्जन लोग धारण करेंगे। मानो उसका सर्वत्र कहीं पर है। वो स्वामी जी कहते श्रोता कैसा होना चाहिए, पर वही उन्होंने कहा संत जो है वो मेघ है, समुद्र वेद पुराण समुद्र है, और वरस ही राम सुयस बरबारी और मधुर मनोहर मंगलकारी। और तब उन्होंने यही कहा कि उसमें दो वस्तुएं चाहिए, जब वर्षा होती है तो मिट्टी गंदी होगी तो जल गंदा हो जाएगा, और अगर जल गंदा न हो और वो सिमट करके एकत्र न हो सके तो बह जाएगा। तो उनका हृदय की गहराई और बुद्धि की भूमि है और हृदय उसको धारण करने की वस्तु। तो उन्होंने वहां पर भी यही कहा कि जिस समय व्यक्ति इसका अभिप्राय अगर हम बुद्धिहीन होंगे तो जो बात कथा में कही गई जो कहा गया उसको हम समझ नहीं पाएंगे, और अगर हमारा हृदय विशाल नहीं हुआ तो समझ करके भी उसे धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ वस्तु होते हुए भी उन समस्याओं से जब अपने को मुक्त कर देती है, श्रद्धा मान श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है कई बार लोग प्रश्न करते हैं, और उसका उत्तर यही है कि जो अंतर भगवान शंकर में और पार्वती जी में है वही श्रद्धा और विश्वास बनता है। विश्वास का मार्ग हृदय का मार्ग है और श्रद्धा का मार्ग बुद्धि का मार्ग है, वो लंबा मार्ग है। और वो इसीलिए आप देखेंगे शंकर जी के सामने समस्या नहीं, शंकर जी में तो समग्र ज्ञान भी है समग्र विश्वास भी है, पर वो पार्वती जी के सामने समस्या थी। जब वे दक्ष की पुत्री हैं प्रजापति की पुत्री हैं तो अनेक गुणों से युक्त होते हुए भी मैं दक्ष की पुत्री हूँ मेरे पिता प्रजापति हैं, इस अभिमान से वो अपने को मुक्त नहीं कर पाती। और तब वो साधना है, जब तक बुद्धि में अभिमान है तब तक वो पूर्ण सत्य का अनुभव करने में असमर्थ है, और जब वही बुद्धि अहंकार से मुक्त होकर के श्रद्धा बन जाती, बस विश्वास हृदय में और बुद्धि में श्रद्धा, पर वो मार्ग तो लंबा है। और वही संकेत कई प्रमुख चरित्र में आपके सामने मिलेंगे। पर जब उन्होंने नहीं सुना तो उसमें मूल में एक अभिमान था, अगस्त भगवान शंकर ने यदि सुना
तो वो तो सहज रूप से परिपूर्ण है, उनके हृदय में किसी प्रकार का वो तो परिपूर्ण अहंकार, चाहे उनको विश्वास कह दीजिए शंकर जी को और चाहे अहंकार कह दीजिए, दोनों भाई विरोधी मत समझ लीजिएगा। अहंकार ये होता है मैं और तुम के द्वारा जो सापेक्ष अभिमान, तुम मूर्ख हो मैं बुद्धिमान, और एक अहम वह है कि जहां पर द्वितीय की सत्ता नहीं, तो भगवान शिव से बढ़कर के तो और कौन हो सकता है। और इसीलिए मानस ने कहा गया कि ज्ञान की एक ही कसौटी है कि ज्ञान मान जहे एक हो जाए, जहां ज्ञान है वहां अभिमान का द्वंद्वात्मक अभिमान तो कभी होगा ही नहीं, और इसलिए कब भगवान शंकर उससे मुक्त है। और जब वे सुनने जाते हैं तो शंकर बन के नहीं जाते, महाकाल बन के नहीं जाते, श्रोता बन करके जाते। और इसका अर्थ है कि कथा में आते समय का जैसे आप नदी में नहाने लगे तो पूरे कपड़े पहने हुए टोपी पहने हुए धोई नहाते सब उतार दे, इसी तरह से कथा में आइए तो जितना पद का कपड़ा है, पद की टोपी है, पद को सब अलग कर दीजिए, सबसे अलग होकर के जब आप नहाएंगे तब उस स्नान का आनंद आएगा। अगर व्यक्ति को प्रदूषण ये ध्यान बना रहे मैं तो ये पदाधिकारी हूं, मैं तो नेता हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा धनवान हूं, तो वो तो सुनने सब सुनते समय भी वो कहां से है उस स्थिति का दोष करेगा। तो वस्तुतः मानो प्रारंभ में जो दक्ष में कथा सुनने जब आ गई तो मानो पति का अनुभव बनता, पर वो जो संस्कार दक्ष का जो गहराई में है और वो समस्या हम सबके जीवन में, हम संस्कार लेकर के अपने पिता माता से भी जुड़े हुए हैं और न जाने कितने पूर्व पूर्व जन्मों से भी जुड़े हुए हैं, और इन सबसे कैसे इनका कुछ संस्कार है जिनका सदुपयोग करना है, कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनको मिटा देना है, नष्ट कर देना है, और अंत में शुभ और अशुभ दोनों संस्कार जब समाप्त हो जाते हैं तब व्यक्ति उस चरम सत्य का साक्षात्कार करता है। तो वो जो संस्कार है वो समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और वो संस्कार जब उत्पन्न करते हैं तो आप और हम सब अनुभव कर सकते हैं, कभी क्यों आ जाता है क्रोध, कभी कोई बात ऐसी क्यों आ जाया करती है, उसका अभिप्राय कि उसका जो संस्कार है कहीं विद्यमान है, और वो विद्यमान है तो कुछ अच्छे संस्कार ही, आप यदि कथा में आ जाने की प्रेरणा मिलती है तो उस समय कोई विशुभ संस्कार उस समय आपके जीवन में सक्रिय होता है, और अगर आपके मन में घृणा ईर्षा द्वेष की वृत्ति आती है तो कोई अशुभ संस्कार, विजय दोनों का है, विजय दोनों से ही माना है, अशुभ संस्कारों का सदुपयोग करके उससे मुक्त होना है और अशुभ संस्कारों को नष्ट करने की चेष्टा, यही साधना का क्रम है। और इसीलिए ज्ञान दीपक प्रसंग में गोस्वामी जी जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि अब दोनों लकड़ी जला दो, इसके पहले दोनों थे, जब सात्विक श्रद्धा थे तो सुहाई, जो हरि कृपा हृदय से आई श्रद्धा की गाय आवे, और जब भाव का बछड़ा हो, जब निर्मल मन का आहिर हो, जब विश्वास का वर्तन हो, उसमें परम धर्म का दूध दुहिए, परम धर्म जो है वही अहिंसा है, अहिंसा का उदय होगा इतने साधना के बाद, और उसके पश्चात अहिंसा के परम धर्म के इस दुग्ध को भी निष्कामता की अग्नि पर पकाइए। और इसका अभिप्राय यह है कि अनेक चमत्कार सामने आते हैं जब आप अहिंसा में स्थित होते हैं, तो लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो उनसे अलग होना है, और इसके लिए निष्कामता की अग्नि जलाने के लिए तो निष्काम बनिए, अहिंसा के बदले में कुछ न चाह करके हमारे हृदय में अहिंसा वृद्धि आवे, और जब उसको हम अग्नि पर पकावे तो दूध तो गाढ़ा हो गया क्योंकि दूध तो लंबी यात्रा है, पर गर्म हो गया, और दही बनाने के लिए बिल्कुल गर्म दूध उपयोगी नहीं है, उसको गर्म पहले गर्म भी करना आवश्यक है और फिर थोड़ा उसको शांति की ठंडा भी करना पड़ता है। तो निष्कामता की अग्नि से दूध गाढ़ा तो होता है पर निष्कामता से थोड़ी गर्मी जरूर आती है, जो लोग निष्काम होते हैं क्या समझते हैं उनको थोड़ी गर्मी होती है, मैं कुछ नहीं चाहता, बोले किसी की परवाह नहीं, बोले ये गर्मी तो छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर आगे बढ़ना है तो निष्कामता का गर्मी छोड़िए,
कोई पंखा चलाइए, कोई हवा कीजिए, क्या काम मान लीजिए, कोई व्यक्ति बुरा कह दे रहे तो पकड़ लिए, ये तो ढोंगी है। अब आपको क्रोध आ गया तो आप तो ज्ञान की दिशा में नहीं बढ़ रहे। तो तुलसीदास जी ने लिखा, तो समरुत तब क्षमा जुड़ा है, क्षमा की बारिश से, संतोष के पंखे से उसको ठंडा कीजिए और फिर उसमें डालिए जामन। जामन क्या है? बोले धृति सम जामन दे जमावे। धृति जिसको कहते हैं, जो धारणा की दिव्य शक्ति है, साधारण संसार के विषयों को धारण करना और बात है, लेकिन वह धृति जो जिसमें हम, जिसके माध्यम से हम अनेक रहस्यमय तत्वों को धारण करने वाली, उसको जायता दिए। और जब जम गया तो फिर जमने से भी तो काम नहीं बनेगा। और उसके बाद बोलिए मथिए, नहीं बचने लगेंगे तो कैसे बचेंगे? बोले मुदिता, मथने वाली कौन सी वृत्ति चाहिए? मुदिता, यह मुदिता वृत्ति जब तक नहीं आती बड़ा कठिन। इसलिए जब भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा, यो खबर में बड़ा विनोद हो रहा है और तो हो रहा है, हंसी हो रही, तो हर विवाह में होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, इसकी यात्रा संसार में तो विवाह में पहले कौतुक तो होता ही, विरोध भी होता है, पर विरोध के बाद फिर विरोध और विरोध के बाद फिर संघर्ष, ये जीवन में दिखाई देता है। पर यहां बोले कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम में जाए कहीं जाने। भगवान राम और सीता जी के विवाह में कौतुक है, कौतुक के बाद विरोध है और विरोध के बाद विरोध नहीं, जो लड़ पड़ते हैं विरोध विरोध में लड़ पड़ते हैं, और विरोध विरोध के प्रमोद आ गया, यही मुदिता वृत्ति का आधार, और उसके बाद उसकी चरम प्रगति होती है प्रमोद प्रेम न जाए कहीं जाने। इसलिए मुदिता वृत्ति जो है वह बने, वह नारी जो इस दही को मथेगी, और मथानी कौन सी होगी? विचार की मथानी होगी, मुदिता मथई विचार मथानी। और मथानी को आपने देखा होगा, रस्सी रहती है, और रस्सी क्या है? बोले दम आधार रज सत्य सुवानी, सत्य मानो वह रस्सी है, और सत्य की रस्सी के द्वारा कब विचार की मथानी से जब मंथन करते हैं तो उस समय प्रकट होता है वैराग्य का नौनी। दही को जब मथा उसमें मक्खन निकल आया, और मक्खन निकल आया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी। इसका अर्थ है इतना कुछ करने के बाद हमारे अंतःकरण में वैराग्य का उदय होगा। कई लोग तो मुझे जब कहते हैं मिल में तो वैराग्य आ गया तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हम कहते हैं भाई आप जनक जी के मन से होंगे, जनक जी को तो वो सारे प्राप्त था, वैसे तो वैराग्य तो इतनी साधना के बाद, आप कल्पना कीजिए इतना सब के बाद कहीं जा करके तब उत्पन्न हुआ वैराग्य। पर अब भी साधना बाकी है, और बाकी नहीं क्या, बाकी क्या है? बोले मक्खन खाने के लिए तो उपयोगी है, पर सीधे मक्खन से दिया जलाने तो बड़ा गड़बड़ होगा, तो फिर क्या करना है? मक्खन को घी बनाने के लिए उसे भी आग पर चढ़ाना पड़ता है। अब उस वैराग्य के मक्खन को मथने का, मक्खन से घी बनाने के लिए लकड़ी कौन सी? और सब आप पाएंगे अनोखी बात, और वो अनोखी बात ये है कि जोग अग्नि कर प्रकट तब, और कर्म शुभाशुभ ला, जो शुभ कर्म है अशुभ कर्म है दोनों की लकड़ी बना दीजिए, वो स्थिति आ गई। जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, बुद्धि, ये बुद्धि का शोधन है, ये बुद्धि की पवित्र होने की प्रक्रिया है। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत तो ममता मन चली जाए, तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घट पाए, चित्त दिया भरी भरे दृढ़ समता दिया जी बनाए। मैं ज्यादा आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगा, कई लोग कहेंगे कहां से सिर के ऊपर से निकल गई, पर वो बुद्धि की बात आएगी तो उसका अर्थ ये है, यह बुद्धि के शोधन की प्रक्रिया। और इसका दूसरा है कि प्रारंभ से आप का वो संस्कार से मुक्त कर दे अपने को, चलो भाई शुभ अशुभ दोनों को छोड़ना है तो पहले शुभ को ही छोड़ो, बाद में अशुभ को छोड़ लेंगे, तो अनर्थ हो जाए।
अरे इन्होंने मैत्री शरण जी ने हमारे गिरी ब्रह्मचारी जी ने सुना है, मुझे चुटकुले बहुत नहीं याद है। वो ऐसा रहा है प्रारंभ से, तो पहले के एक सज्जन के विषय में प्रसिद्ध था कि बड़े कृपण है, तो कृपण है तो फिर भी चलो मांगने के लिए गए, तो उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक काट दिया। बड़े प्रसन्न होकर के लौटे कि लोग कहते थे कृपण है, उन्होंने 3 लाख दे दिया। जब बैंक में गए तो लौटा दिया गया, वो बोले पैसा अक्षर नहीं। तो लौट करके आए, बोले आप जो है इसमें हस्ताक्षर करना भूल गए। बोले नहीं, हम तो गुप्त दान देते, नाम पर हमारा कोई मातृ बुद्धि नहीं है। अगर यही युक्ति हुई कि भाई दान देने में नाम आ जाएगा तो गुप्त नहीं रह जाएगा, तो नाम ही छोड़ दो। तो ऐसे शुभ संस्कारों से मुक्त नहीं हो जाना चाहिए। शुभ संस्कार का उपयोग ये है कि भाई ये वस्तुएं तो मनुष्य को जो शुभ संस्कार से अच्छे कार्य होते हैं उसको करना चाहिए, और उसके पश्चात मनुष्य का कर्तव्य है कि अंत में शुभता का भी अभिमान न रह जाए। अशुभ को तो नष्ट करना ही चाहिए, उनको तो मिटाना ही है, पर उसके बाद फिर वो कर्म शुभाशुभ लाए, यही यहाँ पर सूत्र। और सूत्र यह है कि अब यह जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो जो महान पतिव्रता है शिव की अनुगामिनी है, पर जो दक्ष के संस्कार से लोग मुक्त नहीं कर पाती है, आगे चल करके जो समस्याएं बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में आ सकती है उनके जीवन में आती है। उसका बड़े विस्तार से वर्णन है, कथा सुन करके लौट रहे हैं, परीक्षा बहुत बड़ी है। जो श्रोता है वो सुन के लौट रहे, और जो बेचारे किसी कारण से आ गए संयोग से, उनके लौटने में एक ही कसौटी तो सुन करके जब आप लौट रहे तो आपके मन में क्या आ रहा है, क्या विचार उठ रहे हैं। आप उसी समय से झगड़ा प्रारंभ कर दे, विवाद हो जाए, तुमने मुझे धक्के कैसे दे दिया, तुम इधर से को आ गए कैसे कर दिया, समझ लीजिए आपने कुछ नहीं सुना। सुनने का अर्थ है गोस्वामी ने कहा, दोनों जा रहे हैं कथा से आ रहे हैं, शंकर जी ने सुना है, सती जी ने नहीं सुना है, और अंतर क्या है। सुन करके जब शंकर जी चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेत, बड़े आनंद में आप कितना अद्भुत आज चरित्र प्रभु की कथा सुनने को मिली, और साथ साथ मन में व्याकुलता भी है, उत्कंठा भी है। यानी अभी महर्षि कुंभज ने यह बताया है कि प्रभु इस समय दंडक वन में ही निवास कर रहे हैं, कथा तो सुन लिया, उनका दर्शन कर लेता तो कितना अच्छा होता। बस कसौटी है, कथा सुन के भगवान के दर्शन की इच्छा हो तो भगवान आपने कथा सुनी, और कथा सुन करके आपको तुरंत ठीक और वस्तुओं की ओर चली जाए दृष्टि, तो उसका अभिप्राय कि वो उस विद्यार्थी की तरह कि जब वो गुरु जी ने एक बरस बाद पूछा कि तुमने इतने दिन पढ़ा तो क्या क्या तुम्हारा ज्ञान कहाँ तो बढ़ा, तो उसने कहा गुरुदेव मैंने सोचा कि गुरु दक्षिणा तो दी जाती है, तो जितना मैंने पढ़ा था यत पठितम तद गुरु में निवेदित, जितने मैंने पढ़ा आपको सब समझ दिया। तो इसका अभिप्राय कि क्या सुना, इसने शंकर जी का सुनना सार्थक है, और सती जी बुद्धिमान की दक्ष की पुत्री होते हुए भी उल्टी बात हो गई। शंकर जी सोच रहे हैं प्रभु यहाँ है, पर मेरा जाना उचित है कि नहीं उचित है, मैं जाऊंगा तो प्रणाम करूंगा तो हमारे प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा, प्रभु मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, अब जिस समय वो मानव लीला कर रहे हैं मैं जाके प्रणाम करूंगा तो मुझे प्रणाम करते देख करके सब लोग समझ जाएंगे ये तो मनुष्य नहीं हो सकते, शंकर जी क्या किसी मनुष्य को प्रणाम करेंगे, तो मैं प्रभु के नाटक को बिगाड़ दूं ठीक नहीं, न जाऊं तो बड़ा मन में आंखों को मानो बुलाना आंखों ने दिया, आप महाराज कानों को धन्य बना करके हमें आप भूखा रखें, ये आपका कौन सा न्याय। आगे कहती है कथा से कान तो तृप्त हो गए, पर वो अभी तो हमारी नेत्र की जो विभाषा है वो तो दर्शन से मिटेगी। अब इस द्वंद में है शंकर जी,
यही कथा सुनने का फल है। जो आपने सुना है उसी का मनन, उसी का चिंतन, उसी पर विचार, ये श्रोता का लक्षण है। और कितना उसका लाभ, कितना अच्छा होगा। ये शंकर जी ने चिंतन किया कि उसी समय भगवान राम सामने आ गए, मानो प्रभु ने यह निर्णय किया कि आपको आने में संकोच है पर मुझे आने में कोई संकोच नहीं है। आ गए और बाद में तो भगवान शंकर की जब प्रभु ने प्रशंसा किया कि चलिए आपकी कृपा से सती का भ्रम पार्वती बन के दूर हो गया, तो उन्होंने कहा महाराज उनका भ्रम चाहे जब दूर हुआ पर मेरा भ्रम तो आपने एक क्षण में दूर कर दिया। क्या मुझे भ्रम हो गया था कि मैं आपको प्रणाम कर दूंगा तो सारे संसार के लोग आपको ईश्वर समझेंगे, मैं इसी डर के मारे आ नहीं रहा था, नहीं आ रहा था पर आप आ गए, मैं पास में नहीं गया पर बिना दूर से भी प्रणाम किए बिना कैसे रहता। और जिस समय मैंने देखा दूर से, पास में न जाने पर भी मैंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद, जय हो संसार को पवित्र करने वाले। बस उस समय महाराज जब मैंने देखा कि सती संदेह में संशय में ग्रस्त हो गई, मुंह में ग्रस्त हो गई, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा प्रभु मेरा भ्रम दूर हो गया, मैंने मान लिया था कि मैं प्रणाम कर लूंगा तो संसार वाले आपको मान लेंगे, आपने दिखला दिया कि अपनी पत्नी को तो मनवा लीजिए, संसार को क्या मनवाइए, आपकी माया इतनी प्रबल है कि आपके उस माया के समक्ष मैं सती को भी नहीं मनवा पाया, और नहीं मनवा पाया तो कितनी अच्छी बात है, कहा कितना आनंद अनुभव, हमारी बात कोई न माने तो बुरा लग गया। पर शंकर जी सोचने लगे कि देखो तो सती को इतना समझाने पर भी यही सूत्र है, मानो संकेत यही है, सुनने वाले के हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव है, रस का उदय है, और जो न सुनने वाला है या बुद्धि का अभिमान लेने वाला व्यक्ति जो है संशय भ्रम उतर्क से ग्रस्त होता है, और उसके पश्चात वह लंबी यात्रा प्रारंभ होती है जिसकी अंतिम प्रणति सती पार्वती जब बनती है, जब बुद्धि श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाती है तब भगवान की कृपा सुन करके धन्य होती है। तो चर्चा तो कल ही आज बोलिए या